सहारा प्रणाम। यह सहारा न्यूज नेटवर्क, आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। मैं हूं मोइन शादाब। हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज एक मुलाकात में हम रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत के जिसकी शख्सियत के कई पहलू हैं, जो न सिर्फ मुमताज़ शायरा, अदीबा और समाजी कारकुन हैं बल्कि एक दानिश्वर भी हैं, और दानिश्वर भी ऐसी कि दानिश्वरी जिन पर नाज करती है। हम बात कर रहे हैं मोहतरमा फहमीदा रियाज साहिबा की। फहमीदा रियाज साहिबा, जिस तरह आप सब जानते हैं कि तरक्की पसंद शायरा हैं, अदीबा हैं, लेकिन वो उन शायरात में शामिल हैं कि जो ज़िंदगी का तमाशा ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं देखते बल्कि ज़िंदगी के झमेलों में अमल शामिल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की ये मुलाकात। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अजीब व गरीब एक सवाल है कि आपने हक़ की आवाज़ बुलंद की पाकिस्तान में, आपको इस तरह के हालात से दो चार होना पड़ा कि आपने जिला वतनी जैसी ज़िंदगी, बल्कि जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी जी। उसके बाद उसी हुकूमत से, उसी मुल्क की हुकूमत से आपको सितारे इम्तियाज़ मिलता है जी। बिल्कुल, तो ये तो सितारे इम्तियाज़ तो क्या, देखिए मैं हिंदुस्तान में मैंने जो वक्त गुजारा तो वो तो खींच कर 7 बरस हो गया। ये ज़ियाउल हक का ज़माना था, तो मेरे ऊपर जो केसेस थे, मैं एक रिसाला निकालती थी तो मैं उसकी एडिटर और पब्लिशर दोनों थी जी। तो उस कैपेसिटी में जो मुझ पर मुकदमे थे 14, उनमें से एक था 124 अलिफ। ये एक पुराने ब्रिटिश शिक है जिसके तहत भगत सिंह को फांसी इसी के तहत दी गई थी जी। तो अब जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पिनल कोड है वो तो वही चल रहा है, उसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई जो ब्रिटिश बना गए थे। तो मुझ पर भी ये ही था, बगावत होती है ये मुकदमा सेडिशन, इसकी सज़ा फांसी या 14 साल कैद बामशक्क़त होती है। और मैंने अपनी ज़मानत करा रखी थी, बेल पर थी जी। मेरी शादी, मैंने जो दूसरी मेरी शादी थी जो कि मेरे अपने वो एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ थी, तो वो बेनज़ीर साहिबा के साथ उस वक्त काम कर रहे थे। बेनज़ीर को पकड़ के गिरफ़्तार करके सक्खर जेल ले जाया गया था। सब लोग निकल रहे थे, फैज़ साहब जा चुके थे, फराज साहब जा चुके थे, जो जिसके जिधर सींग समाए वो जा रहा था पाकिस्तान छोड़कर, क्योंकि बहुत खौफनाक हालात बन गए थे। तो मेरे ऊपर ही कैसा मुकदमा था, तो उस वक्त मैंने कहा कि चलिए हम भी निकल चलते हैं। तो तब मैं हिंदुस्तान आई थी, और वो फिर वक्त खींचता चला गया। 7 साल हो गए, हम तो समझते थे ज़ियाउल हक़ आज गए कि कल गए, लेकिन शुरू हो गई अफगान वॉर, तो जिसकी वजह से अमेरिका क्या और यूरोपियन यूनियन क्या और सबके सब, उन्होंने कहा भाई लड़िए ये अफगान वॉर, पाकिस्तान एक फ्रंट स्टेट बना के उन्होंने जो है ये वॉर शुरू कर दी। हम यही जानना, तो अब ये मैं बतला रही हूँ ना कि मगर बहरहाल उसको ख़त्म होना पड़ा। बेनज़ीर वहाँ से क़ैद से भी छूटी, फिर लंदन आई, फिर वापस आई, ठीक है ना। जब वो वापस आई तो फिर इलेक्शन भी करवाने ही पड़े। एक जहाज़ के हादसे में ज़ियाउल हक़ साहब चले गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने हम सिर्फ कांटेक्ट किया था यहाँ, और उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, अब मैं भी जा रही हूँ वापस पाकिस्तान, आप भी आ जाइए। तो जब मैं वहाँ पर गई, फिर इलेक्शन हुए। देखिए वो सारी जो जिला वतनी कथा वक्त और वो सारी जद्दोजहद, उसका जो हमने यानी उसका समर अपनी आंखों से जो देखा वो ये था कि इलेक्शन जब हुए तो वो जीत गई। वो शाम जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके थे, एक नाकाबिले फरामोश शाम थी हमारे लिए, क्योंकि उस दिन कराची के हर घर में चरागाह हुआ था। एक और जो मैं समझती हूँ कि मुझे, मैं कभी नहीं भूलूँगी, जब बिल्कुल एक जवां साल दुबली पतली बेनज़ीर को बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म जब हमने फ़ौज की सलामी लेते देखा था, तो वो एक इट वाज अ ग्रेट डे फॉर मी जी। हम सितारे इम्तियाज़ की बात कर रहे थे जी कि... अब ये है कि बहरहाल जब मैंने तो खुद अवार्ड्स दिए हैं ना लोगों को जी, जी, जी। क्योंकि जब बेनज़ीर आई प्राइम मिनिस्टर हुई तो उन्होंने मुझको एक लर्निड बॉडी दे दी थी जिसकी मैं चेयरपर्सन थी, तो वो तो अवार्ड्स देता था जी। तो मैंने तो खुद अवार्ड्स दिए हैं और बेनज़ीर के हाथ से दिलवाए हैं।
पाकिस्तान के तमाम ज़बानों के बोलने वालों को हमने जमहूरी अवार्ड्स दिए थे, एजाजात दिए थे, जिसमें हबीब जालिब को दिया था जी। जो कभी लेते नहीं थे लेकिन वो हमारे हाँ। इल्तिजा पर राज़ी हो गए थे, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने बड़े तकालीफ़ उठाकर भी अपने मौक़िफ़ पर जो कायम रहे थे, तो उसमें ज़ाहिर है कि हमें क्या अवार्ड, हमारा अवार्ड तो ये था कि हमारे साथ बेनज़ीर खड़ी हुई और ये अवार्ड दे रही थी लोगों को, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर मगर बहुत बुरे बुरे ज़माने में भी आते रहे, क्योंकि उनकी हुकूमत को फौरन एक डेढ़ साल बाद ही उठा धरपटका गया था, हमें भी धरपटका गया था। लेकिन बिलाखिर अब सदर जरदारी साहब ने हमको एक न सिर्फ ये कि अवार्ड दिया, मगर इससे भी पहले हुकूमत सिंध ने, जहाँ की मैं हूँ, उन लोगों ने मुझे शेख हयाज़ अवार्ड दिया, जिसकी मेरे दिल में सबसे ज़्यादा कदर है। और वो इसलिए क्योंकि वो देने वाले वो सिंधी के राइटर्स थे जो जिनसे मैं प्यार करती हूँ और जो मुझे प्यार करते हैं। जिस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत ने सेंटर की जो थी हमारा नाम लेना तक ममनू था और मुझको एक खौफनाक शख्सियत बनाकर पाकिस्तान में रख दिया था और मेरी तमाम किताबें दुकानों से उठा ली गई थी, उस वक्त सिंधी के अखबार मेरी चीज़ों का सिंधी में तर्जुमा कर कर के छापते रहे हैं, वो मेरे साथ रहे हैं और हम उनके एक बड़ी तब्दीली देखी गई, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हबीब जालिब जो वाकई हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ रहे और वो किसी तरह के एज़ाज़ और इकराम के कायल भी नहीं थे, उन्होंने अवार्ड कबूल किया आपका, उनको अवार्ड दिया गया, आपको सितारे इम्तियाज़ मिला, इस तब्दीली के पीछे क्या कोई ख़ास वजह रही वहाँ के रुझानात में? अब देखिए तब्दीली तो आती है ना, कहते हैं ना रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी, वो तो सबात एक तगैर को है ज़माने में। तो जिस किस्म के हालात हमारे यहाँ पेश आए वो हमेशा नहीं रह सकते थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पूरे अरसे में आदमी सोचता रहता है, चीज़ों का तज़िया करने की कोशिश करता है, जो मैं भी करती रही, लिखती रही, पढ़ती रही, और साथ साथ अपनी एक ज़िंदगी भी थी, ज़ाती ज़िंदगी, अपने बच्चों को पाला, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। किया, उनको तालीम दी, वो सच पूछे तो कोई ख़ास ऐसा शायर वायर समझती नहीं हूँ, जिसमें मुझे हंसी भी आती थी कि भाई लोग कहते नहीं कसर नफसी नहीं है कि भाई जो चार लोग कहते हैं भाई आप शायर हैं उनको भी मैं लेट डाउन ही कर रही हूँ। मगर जब मैंने रूमी को पढ़ा तब मुझ पर खुला, देखिए रूमी ने कितना लिखा है, आप मसनवी देखिए 7 जिल्दों की और इतने दो बड़े बड़े दीवाने शम्स तबरीज़, वो अपने आप को शायर नहीं समझते थे। अरे मैंने कहा वाह, बल्कि उनका ये है शेर है कि शेर चबाशत बरे मन हाँ आँ के बरा लाफ जनम हस्त मरा फन दिगर गैर फनूनेश्वरा। तो ये कहते थे कि भाई शेर मेरे लिए क्या है जिस पर मैं अपने आप फख्र करूं और मेरा फन शायरों के फन से अलहदा कोई चीज़ है। शायद हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हो कि सिर्फ शायर होने की सच, शायरी एक इजहार का एक तरीका है मगर मेरा काम कुछ और है और वो दूसरी भी चीज़ों में जाहिर होता रहा, वो नसर में काफ़ी लिखती रही। फहमीदा साहब थोड़ा पीछे हम लौटेंगे कि आपने बहुत कम उम्र से अपनी शायरी का आगाज़ कर दिया था, आपकी वालदा का तआवुन आपको हासिल रहा, उनकी हमायत हासिल रही, उनकी सरपरस्ती हासिल रही, लेकिन बचपन से लेके आखिर तक आज तक जो आपकी शख्सियत में एक इनकलाबी लहर है, जो एक बगावत का सुर है, वो आपने कब उनको देखा कि वो आपके यहाँ उनकी उनके नमो हो रही है, नमोदार हो रही, किस वक्त आपने महसूस किया? अब मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आपसे 10 साल पहले पूछते तो शायद मैं कुछ और जवाब देती, आज मैं आपको हो सकता है कुछ और जवाब दूँ। देखिए ये लफ्ज़ जो बगावत है गालिबन वो पूरा मुझ पर अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि देखिए बागी तो सेहतमंद मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में चंद लोग ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को तब्दील करना चाहते हैं ना, तब्दीली, एजेंट ऑफ चेंज जिसको कहते हैं। ये मुलाकात अभी जारी है लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहें आलमी सहारा। कीजिए अपनी सुबह का नूरानी आगाज। तिलावत कुरान का दिलकश अंदाज, उर्दू तर्जुमे के साथ कलाम इलाही,
शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोजाना एक सिपारे से आगाही, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान की बरकतों के खजाने, साथ में हमदोनात के भी नजराने। मेरा मक्का मदीना मेरे आका। दर्स कुरान रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बरसगीर की मुमताज़ अदीबा, शायरा और समाजी कारकुन मोहतरमा फहमीदा रियाज साहिबा से। फहमीदा रियाज साहिबा, देखिए अगर अदब को हम देखें, ख़ासतौर से उर्दू अदब की अगर बात करें, तो उर्दू अदब बरसगीर के मजमूई अदब को एक साथ रखे बगैर, उसको देखे बगैर मुकम्मल नहीं होता है। लेकिन जी कुछ ऐसे अलमनाक वाक़ियात होते रहते हैं, ऐसे अलमनाक पहलू हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो रबते हैं वो टूटते रहते हैं, उससे बड़ा नुकसान होता है। आप हमेशा हिंदुस्तान आती रही हैं, अभी हाल ही में जयपुर फेस्टिवल में आपने शिरकत की थी, तो किस तरह देखती हैं आप इस मसले को और क्या हल है, एक मुस्तकिल हल क्या हो सकता है इस सिलसिले में? देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी, जिसको लोग पसंद करें या ना करें, कि मैं तो समझती हूँ कि उर्दू अदब का मंजरनामा उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें हिंदी अदब भी ना शामिल कर लिया जाए। बेशक, ठीक है ना, क्योंकि ये हैरत अंगेज तौर पर ऐसी ज़बानें हैं दो, जो कि एक हैं और फिर दो हो जाती हैं, बिल्कुल, और फिर एक हो जाती हैं, जिसके बाद वो फिर दो हो जाती हैं, तो ये कुछ इस तरह से है। लेकिन बहरहाल उर्दू अदब में मेरी नज़र में तो हिंदी अदब भी शामिल होना चाहिए। तो पाकिस्तान में जिन इलाकों में, जैसे पंजाब में काफ़ी अर्से पहले से उर्दू को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, इंडिपेंडेंस से भी पहले, यानी आज़ादी से पहले से उर्दू का एक वहाँ पर एक्सेप्टेड सा था, और वो उर्दू का एक बड़ा गढ़ वो भी था, यानी यहाँ पर तो था ही दोआबा गंगा जमुना, बहरहाल उर्दू है यहाँ की ज़बान, ठीक है ना, और वहाँ पर अब वो एक राब्ते की ज़बान है, वहाँ पर किसी भी इलाके की मदर टंग तो है नहीं, कहीं की भी मादरी ज़बान नहीं है वो, लेकिन वो एक कौमी ज़बान वहाँ की बन गई, तारीख़ ने उसको वहाँ की कौमी ज़बान बना दिया। तो उसमें जो एक तो सहाफ़त दोनों मुल्कों की अलग अलग हो गई, ज़बान में काफ़ी फ़र्क आया है, यहाँ की उर्दू कुछ और तरह की है और वहाँ की उर्दू में बहुत फ़र्क आ गया है। और लेकिन जहाँ तक अदब है, तो अदब सिर्फ ज़बान से नहीं, इसका ताल्लुक तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, तख्लीक से, कुव्वत तख्लीक से होता है इसमें, और यानी कि इसके तो मियार कुछ दूसरे हैं। अब मुश्किल ये है कि बिल्कुल ये ताल्लुकात टूट जाते हैं, और कभी कभी लगने लगता है कि भाई इंडिया का तो अब अदब, उर्दू अदब अपना ही तरह का होगा, फिर वो टूट भी जाते हैं जब हालात बेहतर होते हैं। अब हमारे जो बेहतरीन इस वक्त नावल एक छपा है, जो मैं समझती हूँ कि आग का दरिया के बाद एक बहुत अच्छी और एक एम्बिशियस, कई चांद थे सरे आसमां, वो तो इनकी है, शम्सुर रहमान फारूकी साहब की है, तो एम्बिशियस इस लिहाज से कि इसके इसका हौसला बुलंद है, है ना, इस हौसले की नावल आग का दरिया के बाद हमारे यहाँ नहीं आई थी, तो अब वो जो है वो हमको, हम उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, और वो तो पहली जिल्द, पहला एडिशन उर्दू का, उसका छपा ही पाकिस्तान में। जी जी। तो इस तरह से माजी को तो छोड़िए, यानी मीर गालिब ये सब, ये तो यहाँ के थे, तो कहाँ पर हम खत फासिल कहाँ खींचेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल मसला है, और गालिबन कोई खत फासिल हम खींच नहीं सकते हैं। और ये उर्दू अदब जो है वो दोनों मुल्कों को जोड़ने का भी एक काम करता है, अगर आप देखें तो एक पुल सा है जो कि इन दोनों मुल्कों के बीच में मौजूद है। और हमारी कोशिश ये है कि इस दफ़ा जब हम लोगों को वहाँ बुलवाएं, तो मैं अपनी से कोशिश करूंगी लोगों से कहकर कि भाई हिंदी के अदीबों को भी वहाँ पर आए और उनकी भी बात सुनी जाए, और तब फिर एक पूरा नक्शा हमारे सामने आएगा उस जहन का, जो इस गंगा जमनी तहजीब का या इस गंगा जमनी इलाके का है, और साथ साथ जो पाकिस्तान में भी यहाँ से जाने वालों का और यहाँ से इन्फ्लुएंस होने वालों का है, तो ये हम चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने एक नया मसला उठाया है, एक नई बहस छेड़ी है कि सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदी अदब भी
उसमें शामिल होना चाहिए, बिल्कुल शामिल होना चाहिए। आपने जाहिर है इसकी बहुत बड़ी वजह रही है पूरा बैकग्राउंड जो उर्दू का है। एक ही तो है, आप बताएं, वो कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद से तो हमारी शॉर्ट स्टोरी शुरू हुई, हम कह रहे हैं मुझसे तो हमारी शॉर्ट स्टोरी शुरू हुई थी। आपने तराजिम भी काफी किए, खासतौर से जो मौलाना जलालुद्दीन साहब का आपने तर्जमा किया है, बड़ा वकी काम है आपका, तो जाहिर है आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कितनी अहमियत है तर्जुमे की, लेकिन फिर आपने क्या महसूस किया था जब ये काम शुरू किया था कि ये चीज़ें उर्दू में आनी चाहिए? देखिए, अब आपको मैं हकीकत बताऊँ तो क्या है कि देखिए जो तख्लीकी काम होता है ना, बहुत यानी उसके पीछे कोई लॉजिक भी काम कर रही हो, इससे बहुत बढ़कर उसके पीछे आपकी जज्बात और एहसासात काम कर रहे होते हैं। मैं जलालुद्दीन रूमी की दीवान शम्स तबरीज़ पढ़ रही थी जी। और वो मेरे दिल पर ऐसा असर कर रही थी कि मैं उसको गुनगुना रही थी और आंखों से अश्क रवा थे, और वो अपने आप से जिसको कहना चाहिए कि वो उर्दू में तर्जुमा हो गई। आप यकीन करें कि वो अपने आप से उर्दू में आ रही थी, और मैं उनको मुनकलबात कहती हूँ कि मुनकलब हो रही थी, मुनकलब हो रही थी क्योंकि मैं उनको गुनगुना रही थी। उससे पहले मैंने फारसी से किया था फरूख फर्रुखजाद का तर्जुमा, जो कि एक मॉडर्न शायरा हैं, और मुझे अपने आप से सबसे ज़्यादा नज़दीक फरूख फर्रुखजाद लगे हैं। जितनी भी मैंने शायरात या औरत शायरों को पढ़ा है किसी भी ज़बान की, तो मुझे सबसे ज़्यादा नज़दीक अपने से ये लगी, क्योंकि एक तो कुछ कल्चर यानी इस्लामिक कल्चर के हम दोनों पैदावार थे, दूसरे उनका वक्त भी मुझसे बहुत करीब था, उससे उनका मिजाज मुझसे बहुत मिलता जुलता है, तो इसलिए वो मुझको अपने से नज़दीक लगी थी। मगर वो मुझे ज़रा मुश्किल पड़ी थी, क्योंकि मॉडर्न पर्शियन इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट, राइट। ये जो थी जलालुद्दीन रूमी की ज़बान, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगी, और ये उस तरह की फ़ारसी थी जैसे कि मेरे वालिद जानते थे, जैसे कि मेरी वालदा जानती थी जी, जी जी, तो इस तरह की वो मुझको लगी, और बिल्कुल अपने आप से वो 50 गज़लें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 36,000 तो हैं उनकी गज़लें, जो दो इतने ज़खीम दीवान जी, की जी, जल्दें हैं दीवान शम्स तबरीज़ की, लेकिन मुझे उसको खंगालना तो पड़ा, पढ़ना तो पड़ा जी। इसमें एक हिस्सा उनकी रुबाइयात का भी था, वो मैंने टच नहीं किया है जी। लेकिन बहरहाल ये गज़लें तो बस अपने आप से हो गई। क्या उन रुबाइयात को आगे कभी तर्जुमा करने का इरादा? देखिए, हो सकता है कि ऐसा बन जाए, क्योंकि आदमी कुछ और काम करता रहता है, लेकिन फ़ारसी अदब में जाने ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये काम किया कि माजी के दरवाजे ऐसे खोले, और फिर आप जब अंदर चली ही जाए तो फिर आप फिर दूर तक निकल जाते हैं वहाँ से, देखिए ना, तो फिर तो आप फारसी और दरी और पहलवी और क्या क्या है ना इसके पीछे, तो आप तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर तकरीबन जड़ें हैं दुनिया के तमाम मेजर जो बड़े बड़े मज़ाहिब की जड़ों तक आप पहुँच जाते हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प बारावर मेरे लिए एक सैर है, जिसका जो हासिल है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं तो मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी जी। नाज़रीन, फहमीदा रियाज़ साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहें आलमी सहारा। बड़ी खबरों के शोर में कहीं दब जाती हैं आपकी अपनी खबरें, लेकिन आपके हर मसले पर टिकी हैं हमारी नजरें। मैं रियासती खबरों के साथ हाजिर हूं, मैं रेशमा आफ्ताब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर इलाकाई खबर की खुली परतें, रियासती खबरें। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से है, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्तकबिल पर खतरा मंडरा रहा है। पीर से शनिचर दोपहर 12 बजे, 1:30 बजे, शाम 5 बजे और 7:30 बजे। सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। आज हम महवे गुफ्तगू हैं बर्रे सगीर की मुमताज शख्सियत, जो एक हमा जहाँ शख्सियत की मालिक है, मोहतरमा फहमीदा रियाज़ साहिबा से।
فہمیدہ ریاض صاحب، آپ کے جو شعری مجموعے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں آپ کی، لیکن جو خاص طور سے شعری مجموعے آپ کے تین ہیں، پتھر کی زبان، دوسرا بدن دریدہ، اور تیسرا مجموعہ دھوپ، تو اس کے جو نام ہیں وہ کچھ اپنے آپ میں کوئی کہانی بیان کر رہے ہیں، جو اس کے ٹائٹلز ہیں۔ اس کے بعد ہے کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، جی، اس کے بعد یہاں کی جو میں نے 7 برس گزرے تو نظمیں جو لکھیں ان کا نام ہے ہم رکاب، جی، یعنی ہم اپنے آپ کو اپنے وطن کے لوگوں سے ہم رکاب سمجھ رہے ہیں جو ہم نے یہ نظمیں لکھیں، جی۔ پھر میں پاکستان گئی تو وہاں کے جو وہاں پر 2000 تک کی جو نظمیں، نہیں 2000 تک سے پہلے، آدمی کی زندگی، جی، یہ ہے مجموعہ، اور یہ سب اب کلیکٹڈ، یہ سب لالو گوہر کی صورت میں، جی، یہاں پر شائع ہوئے ہیں، 2000 سن 2000 تک کی ہیں اس میں، جی، تمام نظمیں، جی، تو اس میں وہ بھی شامل ہیں جو یہاں پر لکھی گئی تھیں، تو یہ سب یہ کہانی یہیں کی بیان کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایک ارتقائی عمل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں تمام عنوانات آپ کے۔ بالکل، ارتقائی عمل تو ہے، ایک لڑکی کی حیثیت سے جو میں نے لکھا پتھر کی زباں ہے، جی، اس کے بعد پھر ایک شادی شدہ عورت جو ایک ماں بنی، اس کی حیثیت سے جو لکھا، اور جس نے دنیا کو ایک پہلی مرتبہ ایک نئی نظر سے دیکھا، جی، وہ نظمیں ہیں بدن دریدہ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے، جی، کیا تم پورا چاند دھوپ، دھوپ، جی، وہ نظمیں ہیں جو پھر جب میں واپس چلی گئی، میں 7 برس میں نے انگلینڈ میں گزارے تھے، جی، میری شادی ہو گئی تھی تو میرے جو پہلے ہسبینڈ تھے وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، تو میں وہاں چلی گئی تھی، جی، تو اس کے بعد پھر میں واپس آئی تھی پاکستان، تو 73 میں میں واپس آئی وہاں سے، تو وہاں سے جو نظمیں ہیں وہ دھوپ میں ہیں، جی، اس وقت جو پاکستان کے حالات تھے، بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی وہاں پر، جی، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، لیکن وہ زمانہ بھی تھا جب بنگلہ دیش بن چکا تھا، جی، اور ایک بڑی جنگ ہو کر ختم ہوئی تھی، تو یہ تھے حالات۔ دھوپ کی نظمیں میرے زیادہ براہ راست سیاسی جدوجہد میں شامل ہونے کی، ہر طرح سے، یعنی کہ نہ صرف یہ کہ میں اس میں شامل تھی پوری طرح سے، ایک ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، مگر ساتھ ساتھ کے ذہنی طور پر بھی ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، جی، جو ہم نے لکھا وہ ہے دھوپ کے اندر شامل۔ بالکل، اس کے بعد کی جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، وہ ہے کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، وہ آپ سمجھیے کہ ضیاء الحق کے دور کی جو ہے، اس میں ہم نے جو محسوس کیا اس وقت بھی، میں ایک سیاسی جدوجہد جو کہ ضیاء الحق کے عجیب و غریب رول جو انہوں نے پاکستان پر کر دیا تھا اس کے مخالف تھی، اس کے بعد کی دھوپ کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے جو ہے پہلی مرتبہ ہندوستان میں چھپی تھی، کیونکہ میں تب میں جلا وطن ہو کر اور ہندوستان میں رہ رہی تھی، یہاں پر دلی میں ہی رہ رہی تھی، اور اس کے بعد واپس جب میں گئی تب کی نظمیں ہیں آدمی کی زندگی، اور اس میں نظر آتی ہیں، اس میں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی ایک پرسنل لائف بھی تھی انسان کی، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں۔ بات شاعری کی چل رہی ہے تو یہ ملاقات اس وقت تک نامکمل رہے گی جب تک آپ کی شاعری نہ سن لی جائے، کچھ جو آپ کی مقبول نظمیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو نوازیں۔ میرا فوکس رہا ہے برِ صغیر کا مسلم سماج، جی، جس کے بارے میں جانتی ہوں کیونکہ میں اس کا ایک حصہ ہوں، تو اس کے اندر جو خواتین کی جو یعنی مقام ہے، تو وہ اپنے ہی ایک سفر پر چلا ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا یہ کہ پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک نئی یہ چیز نکلی کہ آپ چادر اوڑھیں اور چار دیواری میں رہیں، اور یہی مطلب ہے آپ کے مسلمان ہونے کا، جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ بالکل درست ہے، اور ہمارا ماضی بھی ایسا نہیں ہے، آپ کب سے دیکھیں کہ یہ مختلف ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اگر آپ چلیے آپ اگر مسلم لیگ کی تحریک سے ہی لیجئے، تو آپ کو کب فاطمہ جنہ جو ہیں برقعے میں اوڑا نظر آتی ہیں، وہ ہمارے پاکستان بنانے والے، ہم ان کو قائد اعظم کہتے ہیں، ان کی بہن تھیں اور وہ تو ان کے ساتھ ہر جگہ رہتی تھیں، جی، تو یہ سب نہیں تھا، تو تب میں نے بہت غصہ آیا کہ بھائی یہ کیا، یعنی کہ وہ چیز جو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ
ان اعلیٰ اقدار سے نہیں ہے جو تمام مذاہب اعلیٰ اقدار پیش کرتے ہیں, کچھ پرنسپلز دیتے ہیں زندگی گزارنے کے اچھے سے, ان سے نہیں ہے, بلکہ جو کہ صدیوں سے چلتی ہوئی ظالمانہ رسم و رواج ہیں ان سے ہے. ٹھیک ہے نا, ظالمانہ رسم و رواج کو بنا لیا. تب ہم نے لکھا تھا کہ بھائی یہ چادر اور چار دیواری آپ ہم سے کہہ رہے ہیں تو بھائی کیوں کہہ رہے ہیں, تو بھائی حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی, یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد عنایت, نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑھوں, غم و علم خلق کو دکھاؤں, نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں, نہ میں گنہ گار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبی پہ ہر حال میں سجاؤں, اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھے, اگر میں جا کی امان پاؤں, تو دست بستہ کروں گزارش کہ بندہ پرور حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے, نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے, یہ آپ سے رحم چاہتا ہے, حضور اتنا کرم تو کیجئے سیاہ چادر مجھے نہ دیجئے, سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجئے, کہ اس سے پھوٹی ہے جو افونت وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے, وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے, سنے ذرا دل خراش چیخیں بنا رہی ہیں عجب حیولے جو چادروں میں بھی برہنا ہے, یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے حضور پہچانتے تو ہوں گے, یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شب بھر رہی دم صبح در بدر ہیں, یہ بیبیاں یہ باندیاں ہیں, یہ باندیاں ہیں جناب کے نطفے مبارک کے نصف ورثے سے معتبر ہیں, یہ بیبیاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کے منتظر ہیں, یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت, تو کم سنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے, حضور کے حجرے معطر میں زندگی خون رو گئی ہے, پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا, کیا بات ہے, اب اس تماشے کو ختم کیجئے حضور, اب اس کو ڈھانپ دیجئے, سیاہ چادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت, کہ اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشان شہوت, کیا بات ہے, حیات کی شاہ راہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت, زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھل ملاتی ہے میری محنت, یہ چار دیواریاں یہ چادر گلی سڑی لاش کو مبارک, کھلی فضاؤں میں بادماں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ, کھلی فضاؤں میں بادماں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ, میں آدم نو کی ہم سفر ہوں کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت. کیا کہنے, بہت خوب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بہت سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. انشاءاللہ پھر کسی ملاقات میں کچھ اور آپ کے ذہنی گوشوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ. تم لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت اجازت نہیں دے رہا, ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ فہمیدہ ریاض صاحبہ سے یہ گفتگو جاری رکھی جائے, اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ملاقات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ملتوی ہوتی ہے. کسی اور موقع پر ہم ایک مرتبہ پھر ان کے روبرو ہوں گے اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے. فی الحال معین شادہ آپ کو اجازت دیجیے. سارا پرنام.